नमस्कार यूटीवी खबर को आपण को स्वागत। प्रथमे नजर पकाय नबा प्रमुख खबर गुडी को परे। गंजाम प्रसिद्ध 21 दिनिया दंडयात्रा आरंभ। कोरोना कटकणा मध्यरे 200 जण दंडवा को नै दंडयात्रा आयोजन करबा को जिला प्रशासन रो निष्पत्ति। चलित वर्ष कोरोना कटकणा मध्यरे दंडयात्रा आयोजन करबा पई गाइडलाइन जारी कला ब्रह्मपुर महानगर निगम। नाटक ओपेरा और रेकॉर्ड डांस निषेध। उत्कल दिवस पई उच्च विद्यालय और महाविद्यालय छात्र छात्री को मध्यरे विभिन्न प्रतियोगिता आयोजित। कृति प्रतियोगी मानंकु उत्कल दिवस रे मिलिबो पुरस्कार। गंजेई चोरा चालाण मामलें दुई जन अभियुक्त को ब्रह्मपुर अतिरिक्त जिला दौरा जज सुनाइले 20 वर्ष जेल दंडादेश। खलिकोट विश्वविद्यालय पक्षर विश्वविद्यालय स्तरीय सम्मान अनुष्ठित। पद्मश्री डॉक्टर के एम पाठी मनमुग्धकर बाणी छात्र छात्री को प्रदान कला प्रेरणा। एवं 13तम राज्यस्तरीय नाटक महोत्सव में भुवनेश्वर शताब्दी कलाकार अनुष्ठान तरफ एक जिद्खोर झील नाटक मंचस्थ। बर्तमान देखा संपूर्ण खबर। गुरुवार ठारु 21 दिनिया गंजाम प्रसिद्ध दंडनाच आरंभ होइछि। एथिपई दंडवांक सह विभिन्न दंडकाली मंदिर पक्षरु समस्त प्रकार प्रस्तुति ग्रहण कर जायथिला। चलित वर्ष कोरोना कटकणा मध्यरे एपरि दंडयात्रा आयोजन करबा पई जिला प्रशासन पक्षरु निष्पत्ति निया जायछि। केवल 200 जण दंडवांक नै दंडयात्रा करा जिवो बोली स्थिर होइछि। गंजाम जिल्लारे 50 रु अधिक दंडवा दल रहिछन्ती। एही दंडयात्रा रे मानसिक धारी माने अंशग्रहण करिथांती। दंडवा माने गेरुआ वस्त्र परिधान करिबा सह खाली पादरे विभिन्न दंड परिवेषण करिथांती। दंडवा माने एक झोला बैग सह बेतबाड़ी पीतल ढाल मयूर पिंछब इत्यादि व्यवहार करिथांती। साधारणतः एही दंडयात्रा 21 दिन 18 दिन 16 दिन एवं 13 दिन धरे अनुष्ठित होइथाय। चलित वर्ष कोरोना कटकणा जोगु बाहर जिला एवं राज्यरु केही न आसिबा पई परामर्श दिया जायछि। दंडयात्रा रे चलित वर्ष नाटक ओपेरा एवं रेकॉर्ड डांस को निषेध करा जायछि। सेहिपरि दंडयात्रा परिवेषण पई अनुमति आनिबा को निर्देश दिया जायछि। ब्रह्मपुर नुआ बस स्टैंड पाणीग्राही पेंठ बिजीपुर पातालेश्वर पुराणा ब्रह्मपुर एवं लोचापड़ा ठारे दंडवा दल प्रवृत्ति रहितबा बेले आंबपुआ ग्रामर दंडवा माने आजि ठारु दंडरे सामिल होइछन्ती। सेहिपरि जामनी बी हिंजलीघाटु एवं बोरीगा रे मध्य दंडवा दल दंडयात्रा रे सामिल होइछन्ती। बुधवार खलिकोट ठारे 50 रु अधिक दंडवा दंडयात्रा आरंभ करथिले। जिला प्रशासन रा कटकणा अनुसार एपरि दंडयात्रा गंजाम जिल्ला रे आरंभ होइछि। बहु दंडवा दल 13 दिन धरि दंड परिवेषण करतबा जगु प्रायतः समस्ते एप्रिल 2 तारिख रु 14 तारिख मेरुप संक्रांति पर्यंत दंडनाच रे सामिल हेबे बोली कहा जायछि। चलित वर्ष कोरोना कटकणा मध्यरे दंडयात्रा आयोजन करबा पई ब्रह्मपुर महानगर निगम पक्षरु निष्पत्ति निया जायछि। एथिनै महानगर निगम कमिश्नर गाइडलाइन जारी करछन्ती। केवल 200 जण दंडवांकु नै दंडयात्रा करा जिवो बोली स्थिर होइछि। केवल 50 जण दर्शक दंडयात्रा रे रहि पारिबे। दंडयात्रा करा जातबा भक्ता मास्क परिधान सानिटाइज एवं सोशल डिस्टेंस रक्षा करिवे। अन्न भोग प्रसाद सेवन करा जाय पारिबो नाही। दंडयात्रा रे चलित वर्ष नाटक ओपेरा एवं रेकॉर्ड डांस को निषेध करा जायछि। सेपरि दंड यात्रा परिवेषण पई तहसीलदारक ठारु अनुमति आनिबाकु निर्देश रहिछि। दंडयात्रा कराउथबा परिचालक कोविड कटकणा मानि तदारक करिवे नचेत आइन अनुजाई दंडित हेबे बोली महानगर निगम पक्षरु कहा जायछि।
विविगिरी सरकारी बालिका विद्यालय परिसर में उत्कल दिवस पर गुरुवार विभिन्न प्रतियोगिता आयोजित हो जाए। उच्च विद्यालय और महाविद्यालय छात्र छात्री माने भाग नहीं। विचारक मंडल में ओटीवी सांबादिक अशोक कुमार ब्रह्मा, साहित्यिक डॉक्टर वनमाली पाणिग्राही और सामाजिक कर्मी अरुण शतपथी जोग देते। आम भाषा आम अस्मिता नाम वक्तृता प्रतियोगित विभिन्न उच्च विद्यालय छात्र छात्री मैंने अंशग्रहण करते। युक्त दुई स्तर में भाषा आंदोलन में अविभक्त गंजाम अवदान एवं युक्त तीन स्तर में स्वतंत्र उत्कल गठन एवं भाषा आंदोलन संपर्कित वक्तृता प्रतियोगिता आयोजित होता। जिला सूचना लोकसंपर्क अधिकारी रविनारायण बेहरा एवं उपखंड सूचना लोकसंपर्क अधिकारी प्रदीप्त गुर्मेया तत्वावधान में यह प्रतियोगिता आयोजित होता। गौरीशंकर शतपथी, लोकनाथ शतपथी, रवींद्र साहू एवं राममूर्ति आचार्य प्रमुख सहयोग करते। प्रतियोगितार कृति प्रतियोगी मानंकु एप्रिल पहला उत्कल दिवस समारोह में पुरस्कृत करा दिबो। गंजेई चोरा चालाण मामलें दुईज अभियुक्त को ब्रह्मपुर अतिरिक्त जिला दौरा जज प्रसन्न कुमार पंडा 20 वर्ष जेल दंडादेश शुणाई। बिहार रामकृपाल यादव एवं श्यामदेव कुमार को यह दंडादेश होता सरकारी वकिल अनिल कुमार साहू सूचना देते। एस अभियुक्त को 2 लाख टंका लेखाएं जरिमाना देवाक निर्देश होपरी जरिमाना अनादाय हेले अधिक 2 वर्ष जेल दंडादेश शुणाई कोर्ट। खलिकोट विश्वविद्यालय आनुकूल्य एक विश्वविद्यालय स्तरीय सम्मान गुरुवार आयोजित हो जाए। मुख्य अतिथि रूपे पद्मश्री डॉक्टर के एम पाठी जोग देते। ओडिशा रे कार्यरत प्रथम ओडिया डाक्टर भाव पद्मश्री प्राप्त पाठी 82 वर्ष बयस रोगी सेवे नियोजित रही कर्म ही भगवान उक्ति को निज जीवन में व्यवहार कर बिना मूल्य ओडिशार आदिवासी प्रवण अंचल चिकित्सा करपर एठार डाक्तर पाठी निजर व्यक्तिगत जीवनी और डाक्तरी पेशा उपर आलोकपात करते। विश्वविद्यालय कुलपति डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार महांती तत्वावधान में अनुषित कार्यक्रम में पीजीसी प्रमुख डॉक्टर जोगेश्वर पाणिग्राही, रजिस्ट्रार दिलीप बल और अन्य विभाग प्रमुख यह अवसर में उपस्थित थे। डॉक्टर मनोरंजन मिश्र कार्यक्रम परिचालना करता बेले संयोजक डॉक्टर शारदा प्रसाद साहू धन्यवाद अर्पण करते। एठारे डाक्तर पाठी मनमुग्धकर बाणी छात्र छात्री मानंकु प्रेरणा प्रदान करथिला। विजु पटनायक संस्कृति भवन परिसर में ओडिशा नाटक समारोह समिति तरफ बुधवार 13 राज्यस्तरीय नाटक महोत्सव में भुवनेश्वर शताब्दीर कलाकार अनुष्ठान तरफ एक जिद्घोर झीओ नाटक मंचस्थ हो जाएगी। नाटक विजय तेंदुलकर एवं निर्देशिका धीर मल्लिकों सहयोग में यह नाटक परेशित होता। एथिरे विनायक होता, रविनारायण बेहरा, जयंती मिश्र, कैलाश पाणिग्राही, बासंती महापात्र, सत्यव्रत शेखर, नलिनी संतोष, सापा काशी, नमिता आरती कुन्नी, जयंती सुभाष, भावग्राही बाबला प्रमुख उपस्थित रही कार्यक्रम परिचालनार सहयोग करते। सभापति अनिल पात्र एवं डॉक्टर मिहिर त्रिपाठी यह अवसर में उपस्थित थे। ईपीएफ पेंशनधारी मानंकु सुप्रीम कोर्ट निर्देश आधार रे समस्तंकु वर्धित पेंशन एवं मागणारे चिकित्सा सुविधा जोगाई देबाकु पेंशनधारी माने दाबी करछंती। या सहित सर्वनिम्न पेंशन मासिक 9000 टंका एवं महंगा भत्ता प्रदान करिबा पई दाबी करा जिवा सह ए संक्रांत रे केन्द्र सरकारक दृष्टि आकर्षण करा जिवो बोली स्थिर होईछि। ऑल ओडिशा ईपीएफ पेंशनर्स एसोसिएशन गंजाम जिला शाखार वार्षिक सम्मेलनी माँ करंजी ठाकुरणी पीठ से रविवार अनुषित हो जाएगी। एथिरे सभापति प्रताप शतपथी अध्यक्षता करथिबा बेले राज्य सभापति रंजन खुंटिया, सर्वभारतीय सभापति भाग्यधर ब्रह्मा, विजय कुमार जेना, वैद्यनाथ दास, शरद पाणी समेत बहु कर्मकर्ता यह अवसर में उपस्थित थे। एठार गंजाम जिला शाखार नूतन कर्मकर्ता मनोनयन कर जिला शाखा को प्रताप चंद्र शतपथी सभापति, सीमांचल नायक एवं विप्रचरण जेना उपसभापति, प्रशांत कुमार शतपथी साधारण संपादक, सीमांचल महांति गजपति महांती एवं अलमेय कुमार पंडा जुग्म संपादक, भगवान साहू एवं प्रशांत कुमार दास सांगठनिक संपादक एवं पूर्णचंद्र दास कोषाध्यक्ष समेत 20 जन को कार्यकारी सदस्य भाव में मनोनीत कर। शिल्पांचल अनुपम भारत कार्यालय सम्मुखें बुधवार माँ कामाख्या पावर हाउस जिम्नाजियम नाम एक व्यायाम केन्द्र उद्घाटित होती।
ଏହି ଅବସରରେ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ତଥା ଖ୍ୟାତନାମା ଭାରୋତ୍ତୋଳନକାରୀ କେ ରବି କୁମାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡି ସମ୍ପାଦକ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବରେ ଭାରୋତ୍ତୋଳନ କୋଚ୍ ସୀତା ଜେନା, ବିଜେଡି ନେତା ଆର୍ ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ଯୁବ ନେତା ଆର୍ କାଶୀ, ସମାଜସେବୀ ରଜନୀକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ, ଲାଇଫ୍ଲାଇନ୍ ସଭାପତି ଏଲ୍ ସୁଦାମ ଦାସ, ସିଟି କଲେଜର ପିଟି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଦାସ ଏବଂ ଅନ୍ୟତମ କୋଚ୍ ସୀତା ପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବ୍ୟାୟାମ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଜନସାଧାରଣ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଜିମ୍ନାସିୟମର ମାଲିକ ବିପ୍ରଚରଣ ନାୟକ, ଗୋଲାପ ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ପରିବାରର ବହୁ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆରଡିସି କଲୋନୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୋଷାକ ବିତରଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୂର୍ବତନ ସିଆର୍ସିସି ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଏବିଓ ତାରାବାଇ ସିଂ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଲାଇଫ୍ଲାଇନ୍ ସଭାପତି ଏଲ୍ ସୁଦାମ ଦାସ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ସିଆର୍ସିସି ଲୋକନାଥ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସଂଯୁକ୍ତ ଦାସ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରଞ୍ଜିତା ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଅବସରରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ଏଠାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ପୋଷାକ ଏବଂ ବୁଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସୁପ୍ରଭା ସାହୁ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉନ୍ନୟନ କମିଟି ସଭାପତି ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ସଦସ୍ୟ ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗୋପାଳପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ସେଲ୍ ପକ୍ଷରୁ କ୍ୟାରିୟର ଗଠନ ନେଇ ଏକ ସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରମାକାନ୍ତ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅତିଥି ରୂପେ ରୁଷଭୁଜି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତରଫରୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପାତ୍ର ଏବଂ ପିଜଙ୍ଗ ସାହୁ ଯୋଗଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସଞ୍ଚାଳକ ରଞ୍ଜିତ ଦାସ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ପୀତାମ୍ବର ବିଶୋଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଏହାର ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କୃଷକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷର ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁରେ କୃଷି ରଥର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏପରି ରଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ହିଞ୍ଜିଳି ବ୍ଲକ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ବଳରାମ ସୁବୁଦ୍ଧିଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ କୃଷି ରଥକୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପାତ୍ର, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏନ୍ ରଘୁନାଥ, ଆତ୍ମାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏ ସୁଦର୍ଶନ, ଏଡିଓ ବିଦୁର ସେଠ ମାଝି ଏବଂ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 6 ଦିନ ଧରି ହିଞ୍ଜିଳି ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହି ରଥ ପରିକ୍ରମା କରିବ ବୋଲି ସହକାରୀ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ନାଥ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅମର ପ୍ରସାଦ ସାହୁ, ଅର୍କିତ ବାଡତିଆ, ନିକୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସମେତ ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁ ଜନସାଧାରଣ ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ନେତା ଭଗତ ସିଂଙ୍କ ଶହୀଦ ଦିବସ ଅବସରରେ ଛତ୍ରପୁର ସରକାରୀ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଯୁବ ଛାତ୍ର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ସଭାପତି ଇଜୁ ଅମିନ ଖାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇ 73 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ଚିଫ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଅଫିସର କୁଳମଣି ମଲ୍ଲିକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେଇ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଶୋର କୁମାର ବେହେରା, ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସାମଖ୍ୟର ଜିଲ୍ଲା ଉପନେତା ଶଙ୍କର ଦାସ, କେଶବ ନାହକ ଏବଂ କାଳିଆ ରାଉଳ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମାଜସେବୀ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏନ୍ ଧଞ୍ଜାରେଡ଼ି, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଚିନ୍ମୟ ହୋତା, ଛାତ୍ରନେତା ବିକାଶ ପଶୁପାଳକ, ଅବନୀ ଶତପଥୀ, କିଙ୍କରା ବେହେରା, ଗୁରୁଦେବ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କ୍ରାନ୍ତି ଯୁବ ଛାତ୍ର ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଜଲାଲ ଖାନ, ବୀରେନ ରାଉଳ, ଅଭିଷେକ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଟି ଗୋପାଳ ରାଓ, କେ କବିତା, କେ ଶିବାପାତ୍ର, ଆକାଶ ଗୌଡ଼, ସୁମନ ସେଠୀ, ଅଜିତ ମିଶ୍ର, ବିଶ୍ୱଜିତ ବେହେରା ଏବଂ ମିଟୁ ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।
भुवनेश्वर जयदेव भवन परिसर रे ओडिसा रा प्रख्यात कंठशिल्पी शांतिलता बारिक को तत्वावधान रे दोलो एवं होली पर्व उपलक्ष्य ओडिसा रा प्रतिष्ठित 50 जण कंठशिल्पी मानन को नै अनुराग भवजन समारोह अनुष्ठित हो जाय छी। एतरे मुख्य अतिथि रूपे मंत्री पद्मनाभ बेहरा जोग दैतिया बेले सम्मानित अतिथि भाबे ओडिसा पर्यटन विकास मंचर अध्यक्ष डॉक्टर अनंग द्विवेदी, ब्रजकिशोर दास, सभापति प्रमोद कुमार पटनायक एवं सम्मानित अतिथि भाबे कल्चरल ट्रस्टर शांतिलता बारिक प्रमुख जोग दैथिले। ए कार्यक्रम रे ब्रह्मपुर साहित्यिका, लेखिका एवं उपस्थापिका वंदना मिश्र जोग दे भजन परिवेशन करबा सह तांको सम्मानित कर दैथिला। कंठ और संगीत प्रतिभा सम्मान रे से सम्मानित होइतिबा जोगुं तांको विभिन्न महल रो शुभेच्छा ज्ञापन कर जायछे। एथिपई से कंठशिल्पी शांतिलता चटरा एवं सौरभ नायक को श्रेय प्रदान करबा सह तांको स्वामी शिवानंद दास को प्रेरणा रो उत्स बोली से जणाइथिले। वर्तमान देखिबा खेल खबर। छत्रपुरठारे प्रबाद पुरुष विजु पट्टनायकंक जन्म शतवार्षिकी अवसरें जिला प्रशासनर सहयोगरे विजु स्मारकी एवं युरो स्कूलर मिलित आनुकूल्यरे राज्यस्तरीय विजु स्मारकी फुटबल टूर्नामेंट बुधवारठारो आरंभ होइछे। छत्रपुर विधायक सुभाष चंद्र बेहरांक प्रत्यक्ष तत्वावधानरे पुलिस पडियारे अनुष्ठित उद्घाटनी कार्यक्रमरे प्रथम मैच गंजाम सह कोरापुट दल मध्यरे अनुष्ठित होइतिबा बेले एथिरे कोरापुट दल विजयी होइतिला। आसंता 27 तारिख पर्यंत एही टूर्नामेंट अनुष्ठित हेबो। उपसभापति प्रफुल्ल कुमार पट्टनायकंक संयोजनारे अनुष्ठित कार्यक्रमरे ब्रह्मपुर विधायक विक्रम कुमार पंडा, पुलसरा विधायक श्रीकांत साहू, खलिकोट विधायिका सूर्यमणि वैद्य, गंजाम जिलापाल विजय अमृता कोलांगी, गंजाम एसपी ब्रिजेश कुमार राय, वरिष्ठ बिजेडी नेता रामचंद्र पंडा, पीडीडीआरडी सिंधे दत्तात्रेय भावसाहेब, युरो स्कूलर मुख्य रंजन कुमार महापात्र, ब्लॉक अध्यक्ष एन रंजा रेड्डी, पूर्वतन विधायक आदिकांत सेठी, प्रदीप कुमार दास, पी चंद्रशेखर राव, पूर्णचंद्र बेहरा, प्रशांत पंडा, शंकर दास समेत बहु कर्मकर्ता यह अवसर उपस्थित थे। କେମିତି ହବ ତାଙ୍କ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ଆମେ ଆଜି ଏକଠା ହୋଇଛୁ। ଆର୍ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କି ଯୋଉ ଫୁଟବଲ କପ खबर को शेष करने पूर्व पुणि थे नजर पकड़ प्रमुख खबर गुड़िकर गंजाम प्रसिद्ध 21 दिनिया दंडयात्रा आरंभ। कोरोना कटकणा मध्य 200 जन दंडुआ को नहीं दंडयात्रा आयोजन करने को जिला प्रशासन निष्पत्ति। चलित वर्ष कोरोना कटकणा मध्य दंडयात्रा आयोजन करने गाइडलाइन जारी कला ब्रह्मपुर महानगर निगम। नाटक, अपेरा और रेकर्ड डांस निषेध। उत्कल दिवस पई उच्च विद्यालय एवं महाविद्यालय छात्र छात्रीों मध्य विभिन्न प्रतियोगिता आयोजित। कृति प्रतियोगी मानक उत्कल दिवस रे करा जीव पुरस्कृत। गंजाई चोरा चालाण मामलें दुईज अभियुक्त को ब्रह्मपुर अतिरिक्त जिला दौरा जज शुणाइले 20 वर्ष जेल दंडादेश। खलिकोट विश्वविद्यालय पक्षर विश्वविद्यालय स्तरीय सम्मान अनुष्ठित। पद्मश्री डॉक्टर के एम पाटी मनमुग्धकर वाणी छात्र छात्री मानक प्रदान कला प्रेरणा। एवं 13वां राज्यस्तरीय नाटक महोत्सव रे भुवनेश्वर शताब्दी कलाकार अनुष्ठान तरफ एक जिद्घोर झियर नाटक मंचस्थ। यूटीवी खबर को वर्तमान पई एट रखु। नमस्कार।